चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। इस देश में बार बार गांधी वर्सेस गोड से किया जा रहा है, ये षड्यंत्र है, एक विचारधारा जिसने पूरी दुनिया को अहिंसा के रास्ते पर चलना सिखाया हो, उस विचारधारा पर ये वार है उन विक्षिप्त मानसिकता के लोगों का जो अपने नाम के आगे हिंदू शब्द लगाते हैं। ग्वालियर में पिछले दिनों जब हिंदू महासभा ने गोडसे को शहीद बताया था, तब भी हमने इस कार्यक्रम को प्रमुखता के साथ चलाया था और आपको ये बताने की कोशिश करी थी कि इस देश का संबंध गांधी से है, गोडसे से नहीं। भोपाल की सांसद हैं, नाम के आगे लगाती हैं साध्वी, पूरा नाम है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। संसद में कल जब अधिवेशन चल रहा था तो उस दौरान उन्होंने कथित तौर पर गोडसे को, जी हाँ, गोडसे को शहीद और देशभक्त बताया। उनका ये कहना था कि दिन भर तमाम पार्टियों के नेता उनके पीछे लग गए और साध्वी प्रज्ञा के ऊपर एक से एक हमले होने लगे। आज जब खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको संसदीय दल की बैठक में आने से मना कर दिया है और इसके साथ ही साथ जिस रक्षा दल सदस्य की वो सदस्य बनाई गई थी उससे भी उनको बाहर कर दिया गया है। पिछले दिनों जब मोदी जी से एक पत्रकार ने सवाल किया था तो मोदी जी ने कहा था कि मैं मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, तो मन से माफ नहीं कर पाएंगे लेकिन पार्टी से हटा भी नहीं पाएंगे। ऐसा कौन सा मोह उनको लगता है कि भाई साध्वी प्रज्ञा को ना हटाया जाए? मतलब आप गोडसे की जय बोल के इस देश में रह लेंगे, ये कितनी बड़ी बात है। सहिष्णुता की सबसे बड़ी निशानी तो यही होनी चाहिए कि आप गोडसे की जय बोल रहे हैं और गांधी जी जो हैं हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, पूरी दुनिया उनकी उनकी थीसेस, उनकी स्पीचेस, उनके विचारों को फॉलो करती है और एक तरह से पूरी की पूरी एक विचारधारा है गांधी की। तो आप गांधी के इस देश में गोडसे को कैसे सेट करना चाह रहे हैं और क्या आइडियोलॉजी है आपकी? साधारण सी बात है, इसको समझिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम इनको दिल से माफ़ नहीं कर पाएंगे चुनाव के दौरान। चुनाव को हुए हैं इस देश के चुनाव को मैं 4 महीना या 5 महीना हो रहे होंगे और भी कम यार, हाँ चार पाँच महीना। तो 4-5 महीने मोदी जी उसको भूल गए और उनको रक्षा समिति में सलाहकार बना दिया संसद की, जो उन्होंने नहीं बनाया था वो राजनाथ सिंह उसके राजनाथ सिंह जरूर है, सरकार को हेड कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो ऐसे कैसे होगा उनके कैबिनेट का कोई मंत्री डिसीजन ले रहा हो, प्रधानमंत्री कैसे देगा? राजनाथ सिंह ने बहुत भत्सना करी है साध्वी प्रज्ञा केस बयान की लोकसभा में, ये तो समझना अपने को, करने से कुछ नहीं होता। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हिंदुत्व को हमेशा बने रहने देना चाहते हैं, जब आपको लगता है जब आपको लगता है कि देश में अभी हिंदुत्व के टॉपिक से लोग डाइवर्ट हो रहे हैं तो आप फिर से उनको हिंदुत्व का एक लवण चूस दे देते हैं, कैप्सूल दे देते हैं कि भैया क्या दे देते हैं अपने उत्तर प्रदेश में। अच्छा, लवन चूस होता है, आपको नहीं पता है क्या? नहीं पता, उसको लेके लोग चूसते रहे, टिपिकल शब्द है, नहीं तो यूपी और बिहार वाले समझ जाएंगे। यूपी बिहार वालों के लिए सर ने शब्द दिया है, समझिए। ये जो पूरा वाक्य है ना कि आप दे दिए, इसको अंग्रेजी वाले लॉलीपॉप बोलते हैं। अच्छा, जिसको अरबी सर जानते हैं क्या बोलते हैं? भोपाल के लोग, वो नॉन रेजिडेंस इंडियन, उसको लॉलीपॉप बोलते हैं, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। तो ये लोग जो है लॉलीपॉप दे दिए। होता ये है कि सीरियसली होता ये है कि गांधी के नाम पे आपको राजनीति करनी है क्योंकि इस देश में और भी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। इस देश में की आधी आबादी जो है वो कट्टर हिंदुत्व में बिलीव नहीं करती, इस देश की आधी आबादी जो है गांधी में और अंबेडकर में विश्वास करती है। तो धर्म की कोई भी कट्टरता का पर्याय हो देश के लोग उसमें बिलीव नहीं करना चाहिए, बिलीव नहीं करते। मैं आधी आबादी की बात कर रहा हूँ, इस देश की आधी आबादी डेफिनेटली गांधी, क्योंकि कई लोग इसको निगेटिव ले लेते कि आप धर्म विशेष के बारे में बोल रहे हैं। ये समझना पड़ेगा कि धर्म विशेष के बारे में नहीं बोला जा रहा, बोला जा रहा है। मैं कह रहा हूँ इस देश की आधी आबादी, इस देश की आधी आबादी, इसमें कोई धर्म का बात नहीं हो रहा है। गांधी में, अंबेडकर में, भगत सिंह में, सुभाष चंद्र बोस में, इस देश के तमाम उन लोगों के में विश्वास करती है, उनमें अपना फेथ रखती है जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और हमको आज़ादी दिलाई। तो ये चीज़ नरेंद्र मोदी जी को और संघ को ये पता है कि अगर उन 50% का वोट लेना है, उनको नाराज नहीं करना है, तो वी हैव टू गो विद द आइडिया ऑफ गांधी। उसको दिखाने के लिए गांधी का मुखड़ा पहनना, उनका चश्मा इस्तेमाल करना स्वच्छ भारत के लिए, चरखा पे बैठे थे वो तो। तो ये सब करना है, चीन के राष्ट्रपति को बुला करके चरखा उसका कटवाना है, ये उनको पता है। लेकिन उनको ये भी पता है कि देश की एक दूसरी आबादी जिनको इन्होंने पूरी तरह से कट्टर बना दिया है, जिनके अंदर इन्होंने अपने IT सेल के थ्रू और मीडिया के थ्रू जिसके दिमाग में संप्रदायिकता का जहर भर दिया है,
जिसको इन्होंने सोचने की क्षमता को नष्ट कर दिया है, जो हमेशा धर्म के नाम पर लड़ने को तैयार है, उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए एक काम करो, एक सगुफा ये भी छोड़ दो हिंदुत्व वाला, तो एक बार तुम बोलोगी तो हम आएंगे। तो उसके लिए इनके पास कई सारे चेहरे हैं। पिछली सरकार में बताइए कौन चेहरा था। कुछ फायर ब्रांड नेताओं के नाम बता देते हैं, साध्वी प्राची थी और साक्षी महाराज थे। पिछली सरकार में ये जिम्मेदारी साक्षी महाराज के हाथों में, और योगी बाबा भी हैं। नहीं, वो तो खैर अभी चुप है क्योंकि मर्यादित पद पे हैं। उससे पहले ऐसे इस तरह के बयानबाजी, इस तरह के आक्रामक शब्द नरेंद्र मोदी के भी हुआ करते थे जब वो मुख्यमंत्री थे। जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते, और क्या, अगर आप मर्यादित पद पे पहुंच जाते हैं तो आप कहते हैं नहीं, हमको चुप रहना है क्योंकि हमको 50% को मैनेज करना है, और दूसरे 50% के लिए आप साक्षी महाराज को ले आते हो, साध्वी प्रज्ञा को ले आते हो, साध्वी प्राची को ले आते हो, ऐसे लोग आते हैं जो गांधी रंजन ज्योति को ले आते। तो ये आप ये बताइए कि आपने उनको निकाला, ठीक है, जेएनयू में नारे लगे कि नहीं लगे आज तक क्लियर नहीं है। जेएनयू के एक तफसीर तक दायर नहीं हुई, सब तो छोड़िए, तो 90 दिन अभी कुछ दिन पहले दाखिल हुआ हाई कोर्ट ने इग्नोर किया, कन्हैया कुमार के खिलाफ सबके खिलाफ एक एफआईआर करने अभी जल्दी में दाखिल हुई है, चार्जशीट तो खैर दाखिल हुई, लेकिन जेएनयू में नारे लगे कि नहीं लगे अभी तक क्लियर नहीं, उनके ऊपर सेडिशन का चार्ज है। लेकिन जो आदमी संसद में खड़ी होकर के जो महिला इस तरह का बोल रही है, जो है बकलोली वाली बात कर रही है, उत्तर प्रदेश की भाषा में बोला जाए, जिनके पास कुछ पता ही नहीं है, जो गांधी को एक तरह से गाली दे रही है, उनके कैरेक्टर का असैसिनेशन कर रही है, उनको इस तरह के शब्दों में जो है बांधा जा रहा है, वो हिंदू महासभा की लेडी मेरठ वाली, वो जो है उनको पुतले को गोली मारती है, क्या उनके ऊपर सेडिशन लगा? और लगा तो लोग कहाँ है? व्हाई दे आर नॉट बिहाइंड द बार्स? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये अभिव्यक्ति है। तो इस देश वो लोग कहते हैं, इस देश में जिनको आर्टिकल 19(1)(a) की परिभाषा पता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, 19 इसी देश के लोगों को आर्टिकल 19(2) नहीं पता है क्या? आर्टिकल 19(2) जस्ट उसका अपोजिट, मतलब उतना आपके ऊपर जो है लग जाएगा कि भाई कितनी स्वतंत्र। आप किसी अपने स्वतंत्रता के लिए अपने राष्ट्रपिता को गाली दोगे? जो आदमी जिसको विक्टोरिया, जिससे रानी विक्टोरिया पत्र व्यवहार कर रही थी, जो अफ्रीका में इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया, जो उस टाइम पे वकील पहनता वकील था, पूरे पश्चिम के 2-3 देशों में उनका नाम था, जो बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के आकर के आपके देश में पैदल घूमा, अपना सब कुछ छोड़ दिया, उस व्यक्ति को आप गाली दे रहे हो? कौन सी हिस्ट्री पढ़ के आए हो? और ये कौन करवा रहा है? ये बैठे लोग संसद में बैठ के लोग करवा रहे हैं। जब ये चीज संसद में बोली गई है तो निश्चित तौर पर उन पर एफआईआर होना चाहिए, रिकॉर्ड से बाहर कर देना कोई बात नहीं है। बिल्कुल, आप उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, सीधे सीधा देशद्रोह का मामला बनता है। आप सेडिशन चार्ज करने की क्षमता नहीं रखते। सामान्य आदमी थोड़ी ना है, वो तो देश की सांसद हैं, उनके ऊपर कैसे देशद्रोह बनेगा? सामान्य आदमी होता तो देशद्रोह बन भी जाता। इस देश का दुर्भाग्य है विवेक जी कि इस देश में दो कानून है, एक संविधान है जो सब पे लागू है। अलग से लिखा नहीं गया है, लेकिन कहा जाता है कि सबके लिए समान है देश का संविधान। एक ऐसा संविधान है अपना जो सब पे लागू होता है, और एक ऐसा संविधान ही उसको गढ़ दिया गया है कि उसमें से अपने तरीके से कुछ चीजें उन पे लागू नहीं होती है। तो ये सब कुछ बहुत ज्यादा फिक्स है, आप इसमें मत पढ़िए कि नरेंद्र मोदी जी ने आज उनको जो है उससे बाहर कर दिया। आपने देशद्रोह की बात बोली थी, मैं बहुत आपको एक फैक्ट बताना चाह रहा हूं और अपने दर्शकों को भी, कि मोदी गवर्नमेंट का जो पिछला सेशन था 2014 से 19 में, जब सुप्रीम कोर्ट में एनएसए के जजमेंट गए थे, तो 2,265 जजमेंट में से 2,000 जजमेंट जो है फर्जी पाए गए और हटा दिया गया। मतलब जो एनएसए लगाया जाता है, रासुका जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा का, आपने किसको छोड़ा? आपने हार्दिक पटेल पे लगा दिया, आपने उमर खालिद पे लगा दिया, आपने कन्हैया कुमार को नहीं छोड़ा, आपने जल्दी में शैला रशीद के ऊपर चार्ज किया सेडिशन, आपने टारगेट करके एक कम्युनिटी, एक विचारधारा के लोगों को टारगेट किया, विचारधारा जिनका क्लियर नहीं है कि उन्होंने किया कि नहीं किया, लेकिन जो संसद में खड़ी होकर बोल रही है उसके खिलाफ नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। कायदे से अगर आपको लगता है कि गांधी के बिना आपका काम नहीं चलेगा, अगर आपको लगता है, राजनाथ सिंह जी को ये लगता है कि संसद में खड़े होकर के गांधी गांधी करना पड़ेगा, नहीं तो देश की जनता कान पकड़ के संसद से बाहर का रास्ता दिखा देगी, उनको ये चीज़ लगता है तो उनको कायदे से प्रज्ञा साध्वी की सदस्यता को निरस्त करना चाहिए, और भोपाल में कोई ईमानदार और ऐसा नेता जो फंडामेंटलिस्ट थोड़ा कम हो, क्योंकि पूरा फंडामेंटलिस्ट हो कम हो, लिंगुइज्म वाला ना हो, नेशनलिज्म वाला हो, नेशनलिज्म वाला, अरे वो थोड़ा मोदी जी टाइप में भी चल जाएगा, लिंगुइज्म वर्सेस नेशनलिज्म की लड़ाई है, वो बीजेपी के अनुराग ठाकुर टाइप का भी नेता हो सकता है, लेकिन साध्वी प्रज्ञा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और ये भोपाल वाले बयान के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। भोपाल वाले क्या कर रहे हैं? आपने वोट दे के भेजा एक ऐसी सांसद को चुना जिनके ऊपर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, मालेगांव बम ब्लास्ट की आरोपी भी हैं। वो तो खैर आरोपी हैं, वो चीज प्रोग्रेस में उस पर मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन उन्होंने इस तरह से किया, भोपाल वालों को रिएक्ट करना चाहिए। एक अच्छा शहर है ये, गंगा जमुनी तहजीब लखनऊ में ही नहीं देखी जाती, भोपाल में आइए देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो आप कहे नहीं बोल रहे, कौन बोलेगा इसके लिए? आपने कवि दिए, आपने कलाकार दिए, आपने एक्टर दिए,
आप इसके बाद बोल नहीं रहे हो, पूरा शहर चुप है और लोग उनके पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं, है ना, उनके पक्ष में ट्वीट हो रहा है बाकायदा, प्रज्ञा के पक्ष में बिल्कुल ट्वीट हो रहा है, टेंडर कर रहा है ट्विटर पे, दूसरा ट्रेंड है ये, तो शर्म की बात, शर्म की बात है। चलिए साध्वी प्रज्ञा की बात हो गई, पेट्रोल डीजल की बात हो गई, प्याज की बात हो गई, दाम बढ़ रहे हैं लेकिन हम लोग तो खरीद लेंगे क्योंकि सरकार बहुत अच्छी है, खरीदिए।